और बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान को धमकी देने वाले आरोपी को महाराष्ट्र पुलिस ने रायपुर से गिरफ्तार किया था। मामले में आरोपी फैजान खान को कोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए जमानत दी है। दो हफ्ते पहले दरअसल धमकी देने के आरोप में मुंबई पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था, जिसके बाद उसे बेल दे दी गई है। वहीं बेल मिलने के बाद फैजान खान ने रायपुर के प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता की और कहा कि शाहरुख खान मामले में मुझे अरेस्ट किया गया था, लेकिन अब मेरी लोअर कोर्ट में बेल हो गई है। लोअर कोर्ट के पास कोई एविडेंस नहीं थे। वहीं फैजान खान के वकील ने कहा कि इनको झूठा फंसाया जा रहा है। देखिए, इसमें मुझे अरेस्ट किया गया था शाहरुख खान मामले में और मंडे को मेरी बेल हो गई है, लोअर कोर्ट से ही बेल हुई है। ऑनरेबल कोर्ट ने जब देखा कि कोई एविडेंस नहीं है, कोई सर्कमस्टेंशियल एविडेंस भी नहीं है मेरे खिलाफ, तो उन्होंने इसमें बेल दिया। जबकि ये एक्सट्रॉशनल केस था, इसमें हाईकोर्ट भी जल्दी बेल नहीं देता। इसमें हमारे विराट भाई थे, ये भी थे उसमें आर्गूमेंट में, इन्होंने सारा आर्गूमेंट किया। उन्होंने पूरा बताया जज साहब को कि जज साहब, ये पूरा सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के तौर पर इनको अरेस्ट किया गया है, जबकि कोई एविडेंस, फिजिकल एविडेंस कुछ भी नहीं था मेरे खिलाफ उसमें। और मुंबई पुलिस ने भी काफ़ी सपोर्ट किया मुझे, मतलब कोई टॉर्चर या कुछ वो तकलीफ नहीं दिया मुझे। उनको भी समझ आ गया था कि गलत आदमी को इन्होंने अरेस्ट किया है। बाद में अपने जो सीएम शिंदे साहब है वहाँ के, अपने सीएम महाराष्ट्र के, उनका भी वो भी अपना देख रहे थे बैंडा पुलिस को, कि उनका ये कहना था कि देखिए, शाहरुख खान की सिक्योरिटी भी ज़रूरी है, लेकिन किसी इनोसेंट को हमको फंसाना भी नहीं है। तो उनका भी मैं बहुत शुक्र अदा करता हूँ कि उनका भी काफ़ी सपोर्ट रहा। झूठा फंसाया जा रहा है मुकदमों में, कुछ इनके विरुद्ध कुछ बनता ही नहीं था, इसलिए ट्रायल कोर्ट ने देखा। रेदर ये खुद विक्टिम बने हैं कि इनके साथ मिसचीफ किया गया। आप ये देखिए कि इन्होंने अंजाम मूवी में जो हिरन वाला सीन है, क्रुएल्टी टुवर्ड्स एनिमल एक कानून है, उसी में तो ये बात कर रहे थे कि आप इतने बड़े पब्लिक फिगर हैं। तो इनका तो इतना बोलना था, कभी आप जुबा केसरी को प्रमोट करते हो तंबाकू को, कभी आप रमी एप्स को प्रमोट कर रहे हो, तो युवा जो हमारी यूथ जनरेशन है वो तो आपको अपना रोल मॉडल जो लोग समझते हैं, वो लोग गलत रास्ते पे चले जाएंगे ना, कि उनको रमी खेलना चाहिए, उनको जुबा केसरी खाना चाहिए। और एक डॉक्टर कम वकील जो आप जो भी कंप्लेन हो रहा है, लेकिन सर्कमस्टेंसेज बता रहे हैं कि इनके साथ मिसचीफ किया गया, तो उसके लिए भी हम 5,000 करोड़ का सिविल डैमेजेस का नोटिस देंगे उनको, प्लस हम क्रिमिनल कंप्लेंट भी फाइल करेंगे।